हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये वीडियो मेरा सैटरडे मॉर्निंग का है। सैटरडे हमारे यहाँ बारिश हुई थी और मैंने कुछ कटिंग लगाई थी संडे को, लेकिन वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो आज मैं ये वीडियो बना के इसको अच्छे से जो भी हम करते हैं मिक्स करके एडिट करके वो आपके साथ पोस्ट कर रही हूँ। जब भी बारिश होती है तो अपने प्लांट्स को ज़रूर बाहर लेकर आइए, उनको बारिश में लेकर आइए। जो भी हमारे इंडोर प्लांट्स हैं आउटडोर को मिल ही जाती है बारिश, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक फर्टिलाइज़र होता है, फ्री का फर्टिलाइज़र होता है हमारे प्लांट्स के लिए। इससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो चलो मैं आपके साथ कुछ कटिंग शेयर करती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैं आपकी कटिंग शेयर कर रही हूँ जो मैंने आपके साथ मंडे शेयर करी थी, और मैंने कई मंडे को ही लगाई थी और कई एक दो दिन पहले लगाई थी। ये देखिए, ये मैंने लगाई थी स्वीट पोटैटो वाइन, इस तरह जो बच्चों की साइकिल होती है, जो साइकिल की बास्केट होती है वो टूट गई थी, तो मैंने इस तरह इसमें ये लगा ली है। तो ये तो इसने तो ये तो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। और ये देसी कलेंचो है, ये भी चल पड़ा है। और ये था स्वीट पोटैटो वाइन। वैसे ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत ईजी से ग्रो होने वाली कटिंग्स हैं। और ये आप ये देख रहे हो, ये सुख शांति का है, तो अभी तो ऐसे ही है पर मुझे तो लग रहा है कि ये चल जाएगा। और ये लेंटाना की कटिंग लगाई थी, ये भी आप देख सकते हो। ये मैंने लगाई थी गुलदावरी की, और ये देखो सब मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक हफ्ते में इनका कैसे। ये वाला तो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और ये रोज़ की कटिंग मैंने तीन लगाई थी, एक तो अभी ठीक ही लग रही है, लेकिन आप ये देख रहे हो इसके ये ऊपर ब्लैक सी हो गई है, तो मुझे नहीं लगता ये चल पाएगी। या तो सोच रही हूँ इसको इधर से कट कर दूँ, तो देखती हूँ अभी आगे। और एक और ये गुलदावरी की लगाई थी, इसको देख के तो लग रहा है चल पड़ी, क्योंकि इसकी पत्तियाँ बिल्कुल उस दिन तो मुरझाई सी थी, लेकिन अब खड़ी खड़ी हैं। और ये मैंने लगाया था कलेंचो की कटिंग लगाई थी हाईब्रिड वाली, ये भी ठीक लग रहा है दिखने में कि चल जाएगा। और ये भी गुलदावरी है। और ये कड़ी पत्ते की कटिंग है, ये भी लग रहा है कि चल जाएगी। और ये आप गुलदावरी देख रहे हो, ये लटकी सी हुई है, अभी मुझे कुछ नहीं पता कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। और वो आप देख रहे हो, ये क्रोटोन की कटिंग है दोनों, और दोनों अभी ठीक लग रही हैं कि चल जाएंगी। आगे देखो, टाइम टू टाइम मैं आपके साथ इनको शेयर करती रहूँगी। तो ये भी देखिए, ये तो काफ़ी ईजी टू ग्रो है, और ये चल भी गया है मेरा रियो वेरीगेटेड वाला। ये भी मैंने लास्ट संडे ही लगाया था इसकी कटिंग। और ये सुख शांति का एक और जो मैंने कटिंग लगाई थी, ये भी अभी लटकी हुई है, पता नहीं चल पाती है कि नहीं। और ये था पॉन्सिटिया, ये भी लग रहा है कि चल जाएगा मेरा। और ये मैंने सफलीला लगाया था, इसकी कटिंग देखो अभी चल पाती कि नहीं। तो ये तो मैं आपको हफ्ते का अपडेट दे रही हूँ जो मैंने कटिंग लास्ट संडे को लगाई थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जो मैं कटिंग लगा रही हूँ मैं किस तरह से लगाती हूँ अपनी कटिंग्स को। ये देखो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ और कटिंग्स लेकर आई हूँ अपनी फ्रेंड के पास से। और ये छोटी छोटी हाइब्रिड कलेंचो की कटिंग भी लाई हूँ, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा है तो इससे छोटी सी छोटी कटिंग भी चल जाती है। तो यही सब मैं आप दोबारा से, आज संडे है तो कटिंग लगा रही हूँ, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है, मदर ऑफ थाउजेंड ऐसी उसके पास था। इसके जो ऊपर बनते हैं ना छोटे छोटे बेबी, तो ये अपने आप नीचे गिर के प्लांट बनते रहते हैं। ये देखो एक इसमें बन भी रहा है, क्योंकि मेरी फ्रेंड के पास एक बड़ा प्लांट है ये, तो उस पर खुद ब खुद ऐसे बनते जा रहे थे। ये आप देखो, इसके जो ये बेबी नीचे गिरते हैं मदर ऑफ थाउजेंड के, और नीचे अपने आप प्लांट बनते जाते हैं। ये देखो आप छोटे छोटे देख रहे होंगे ना, ये इसके प्लांट ही बन रहे हैं। तो चलो अब लगाते हैं हम कटिंग्स। हाँ जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करती हूँ कि मैं मिट्टी कैसे बनाती हूँ कटिंग्स के लिए। मैंने मिट्टी ली है, इसमें 50% रेत है और 50% इसमें मिट्टी है, और 50% रेत और 50% मिट्टी है इसमें। और कई तो अकेली रेत में भी अगर आप करोगे तो भी चल जाती है, लेकिन मैंने दोनों का 50-50 लिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा फंगीसाइड ले रही हूँ, क्योंकि बरसातों का टाइम है तो फंगस बहुत जल्दी लगती है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा फंगी पाउडर इसमें अप्लाई किया है। और जो भी हम कटिंग लेते हैं, जैसे आप ये कटिंग देख रहे हैं, जितने भी प्लांट होते हैं जिनमें ये वाइट सा निकलता है दूध टाइप का, तो ऐसी कटिंग्स को आप पहले सूखने के लिए रख दीजिए। फ्रेंड्स, एक मैं अपने बता रही हूँ कि अगर आप इसको सूखने के लिए नहीं भी रख रहे हो तो इसमें थोड़ा सा इसको साफ़ कर दीजिए। मैं तो क्या करती हूँ, कई बार मैं सुखाने के लिए भी रख देती हूँ और कई बार मैं इसको मिट्टी से भी साफ़ कर देती हूँ, और फिर इनकी कटिंग्स को एक डेढ़ घंटे बाद लगा लेती हूँ। अगर आप साथ के साथ ऐसे ही लगा देंगे जैसे इनमें दूध होता है लगा हुआ,
तो आप उसको जो उनका वाइट सा निकलता है वो साफ़ करके आप कोई भी इसमें फंगीसाइड पाउडर लगा के तब भी लगा देंगे तो भी कटिंग चल जाती है, पर अगर सुखाने के लिए रख देंगे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो जब भी आप कोई कटिंग लगाए तो उसकी पहले नीचे की पत्तियाँ रिमूव कर दें, और फिर आप इसमें, मैं तो इसका जैसे रूटिंग हार्मोन यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो ठीक है, नहीं तो आप दालचीनी का पाउडर भी लगा सकते हो, नहीं तो एज इट भी लगा सकते हो, कटिंग चल जाती है। बस वही कि जिस जो भी कटिंग आप लगा रहे हो तो उसकी दो या चार कटिंग लगाएं ताकि अच्छे से चल पाए। और एलोवेरा तो जो भी हम गार्डनिंग करते हैं उनके पास एलोवेरा तो होता ही है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इस तरह एलोवेरा को, एलोवेरा के अंदर से जो इसका निकलता है गुदे टाइप, उससे भी आप लगा के इसको ग्रो कर सकते हो। तो कटिंग को बस इसी तरह मैंने फिंगर से थोड़ा डिप करके और कटिंग इस तरह लगा दी, जिससे इसके कटिंग के जो नीचे मिट्टी के अंदर है दो तीन इसके नोड एरिया जाने चाहिए, क्योंकि उन्हीं नोड एरिया से ही इसकी रूट्स निकलती हैं। तो फ्रेंड्स, कटिंग लगाते लगाते मुझे अंधेरा हो गया था, तो ये देखिए मैंने बहुत सी कटिंग लगाई, लेकिन वो सारी कटिंग तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि रात हो रही थी और कटिंग मुझे फटाफट लगानी थी। एक संडे का ही टाइम होता है कटिंग को लगाने का। तो इनका जो भी रिज़ल्ट होगा मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।